हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का फैंटेसी हेल्प के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होने वाले सेकंड टेस्ट मैच के ड्रीम इलेवन टीम प्रिडिक्शन के बारे में। कौन कौन से प्लेयर आज आपको विनिंग दिला सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर आपको आज के अपने मेगा लीग में, ग्रैंड लीग की टीम में रखने हैं, उसी के साथ साथ कप्तान उपकप्तान किसको आपको सिलेक्ट करना है जिसके माध्यम से आपकी परफॉर्मेंस काफी पीक लेवल पे हो और आपके पॉइंट्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर पाए, पूरी पूरी ड्रीम इलेवन में टीम एनालिसिस करके लाया हूँ। लाइव टीम क्रिएशन करके आपको दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ दोनों टीमों के हॉनेस्ट प्लेइंग इलेवन, कौन कौन से प्लेयर इंजर्ड है, कौन कौन से प्लेयर आउट हो चुके हैं और किनको किनको आपको टीम में लेना है, उनके बारे में भी यहाँ पे आपको पूरी अपडेट मिलेगी। वेन्यू कंडीशन, पिच को एनालाइज करके जो टीम बनाऊंगा वो आपको विनिंग जोन में डाल गई जाएगी, इस बात की पूरी पूरी यहाँ पे गारंटी है। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां ज्वाइन कर लें, जिसके माध्यम से बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोग कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट आप लोग ड्रीम इलेवन से जनरेट कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे इंग्लैंड और इंडिया के बीच में सेकंड टेस्ट मैच के बारे में। दोस्तों, अगर इस मैच के वेन्यू की बात करें तो ये जो मैच का कंडक्शन है वो होने वाला है, आप लोग जानते हैं, 2 से 6 फरवरी 2024 के बीच में। आप लोग जानते हैं टाइमिंग 9:30 बजे सुबह देखी जाएगी। वेन्यू जो है विशाखापट्टनम के मैच में इस कंडक्शन को कराया जाएगा। अगर बात करें हम इसमें की पिच रिपोर्ट की, विशाखापट्टनम के इस सरफेस के पिच रिपोर्ट की, जो कि नाम है यहाँ पे राजेश शेखरा स्टेडियम डॉक्टर YS, है ना, तो ये क्या करती है, ये बैटिंग के लिए काफी अच्छी है और यहाँ पे बॉलिंग विकेट भी यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे स्पिनर्स को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, तो स्पिनर्स के परफॉर्मेंस काफी नेक्स्ट लेवल की रहती है कंपेयर टू पेसर्स बॉलर या फास्ट बॉलर। अब अगर यहीं पे बात करें इंडिया और इंग्लैंड के स्टैट्स के बारे में, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, इंडिया ने जो टोटल मैचेस इंग्लैंड के साथ खेले हैं वो 132 खेले हैं, जिसमें से इंडिया ने 31 एंड इंग्लैंड ने 51 मैचेस जीते हैं, और जो 50 मैचेस थे वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परफॉर्मेंस के मामले में कहीं ना कहीं इंग्लैंड इंडिया से काफी अच्छा था, लेकिन अब कई सारे ऐसे जो भाई नए जोशीले प्लेयर हमारी टीम में आ गए हैं, जैसे ऋषि यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, शिवम दुबे जैसे बेहतरीन परफॉर्मर हैं, तो अब इनकी वजह से टीम में काफी दमखम आ गया है और अब के प्लेयर काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है कंपेयर टू ओल्ड प्लेयर। तो ये दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड और इंडिया के बीच में कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पे निकाल दिया गया है, बिठा दिया गया है, रेस्ट में है, इंजर्ड है, और कौन कौन से प्लेयर आपको ड्रीम टीम में देखने को मिलेंगे, उनके बारे में आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंडिया की तरफ से होने वाले प्लेइंग इलेवन के बारे में। तो इंडिया की तरफ से हमको देखने को मिलने वाले हैं रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, KS भारत एज अ विकेट कीपर, रजत पट्टीदार, अक्षर पटेल, रवि अश्विन, उसके साथ साथ कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पे इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन के, तो यहाँ पे हमारे सामने देखने को मिलने वाले हैं बेन स्ट्रोक एज अ कैप्टन, बेन फॉक्स एज अ विकेट कीपर, जैक लीच, जॉनी बेरस्ट्रो, रेहान अहमद, जैक क्रॉली, जो रूट, ऑली पोप, बेन डकेट, मार्क वुड और टॉम हार्टली, इतने प्लेयर हमको देखने को मिलने वाले हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी काफी नेक्स्ट लेवल से रहने वाली है। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग अपने प्लेयर के परफॉर्मेंस की, तो भाई यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपनी टीम में लेंगे विकेट कीपर में जय बेरस्ट्रो को, और बैट्समैन में हमारे सामने यहाँ पे आप लोग जानते हैं रोहित शर्मा, ओ पॉप, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर हमारे सामने देखने को मिलेंगे। ऑलराउंडर की बात करें भाई, रविचंद्रन अश्विन हमारे सामने रहेंगे, जे रूट रहेंगे और अक्षर पटेल रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इन लोगों की परफॉर्मेंस भी काफी नेक्स्ट लेवल से रहती है। बॉलर की बात करें भाई, बॉलर में हमारे सामने जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और टॉम हार्टली देखने को मिलते हैं, तो इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काफी नेक्स्ट लेवल से रहती है और ये जो प्लेयर्स हैं काफी अच्छी विनिंग करके यहाँ पे देते हैं और एक अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलता है ऐसे प्लेयर्स के बीच में। बात करें यहाँ पे हम लोग अगर विकेट कीपर की, तो आप लोग जानते हैं परफॉर्मेंस रहेगी तो भाई हम अच्छे प्लेयर को चुन पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कैप्टन और इस कैप्टन की, किनको किनको आज हम अपनी टीम में कप्तान उप कप्तान रखने वाले हैं। तो भाई रविचंद्रन अश्विन एज अ कैप्टन को यहाँ पे रखा जा रहा है और जे रूट को यहाँ पे एज अ वाइस कैप्टन रखा जा रहा है। हालांकि सिर्फ प्रिडिक्शन है, कोई यहाँ पे फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आपको जाकर ज्वाइन कर लेना, जिसके माध्यम से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, अच्छी विनिंग आप लोग कर पाएं और बेहतरीन लेवल से आप लोग यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को गेन कर पाएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से।